हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं सिखाने वाला हूँ कि बिना चाबी से जेसीबी स्टार्ट कैसे किया जाता है। काफ़ी लोग, आप लोग ये मालूम होगा ना कि जो चोर लोग होते हैं ना, वो बिना चाबी से स्टार्ट कैसे करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना है, स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ कि आप लोगों को चालू कैसे करना है। आप लोगों को तो ये पता होगा कि वो स्टार्टर से स्टार्ट कैसे किया जाता है, वो तो पता है, उसके बारे में नहीं बताने वाला हूँ। जो स्विच रहता है ना, जो आप चाबी घुमाते हैं ना, उसके बारे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब आप लोगों को उसका स्टेप बाय स्टेप समझना ज़रूरी है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाता है कि अगर हम आप लोग बहुत दूर जगह पे काम कर रहे हो, अचानक आप आपके पास से चाबी गुम हो गया, तो आप स्टार्ट कैसे करेंगे। आप लोगों को मालिक बोल दिया तो मशीन लेके आओ घर पे, तो क्या करोगे। इस सिचुएशन में आपको ये करना है कि आपको स्विच के जो पीछे वायर रहता है उसको कैसे ज्वाइन करना है, किस तरह से स्टार्ट किया जाता है, तो इसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों, दोस्तों अभी हम बिना चाबी के स्टार्ट कैसे करने का है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमको है ना, ये जो स्विच है ना, इसके बारे में समझना है कि ये काम कैसे करता है, इसका वायरिंग कैसे काम करता है, तो इसके बारे में हमको समझना है। तो आप भी अभी देखिए, पीछे इसका तीन वायर दिया गया है, ये देखिए ये तीन वायर दिया गया है ना, जो आपको है ना समझाने में आपको आसान हो जाएगा। मैं अभी इस वही पे आपको समझाने की कोशिश करूँगा किस तरह से ये काम करता है और कैसे स्टार्ट करना है। जैसे काफ़ी लोग, वो जो चोर लोग होते रहते हैं, वो जो गाड़ी को स्टार्ट कैसे करते हैं बिना चाबी के, दोस्तों वो यही इसी तरीके से यही तरीका अपना के ना स्टार्ट करते हैं। जैसे भी या कार हो या कोई भी रहें दो, वो इसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अभी समझा देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए दोस्तों, पीछे वाला जो ये तीन वायर दिया गया है ना, तो अभी इसे कैसे काम करता है वो आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए दोस्तों, तो दोस्तों ये जेसीबी है ना, मेरा दोस्त का है, का अभी बाहर गया हुआ है, इसकी वजह से मेरे पास चाबी नहीं है। इसकी वजह से मैं चाबी से स्टार्ट करने की, मैं चाबी चालू करके मैं आप लोगों को बताने वाला नहीं हूँ। बिना चाबी से आप लोगों को समझाने की कोशिश किया है, प्रैक्टिकल नहीं करने का दोस्तों। इसकी वजह से मैं प्रैक्टिकल करके बताएगा ना, तो काफ़ी लोग इस वीडियो के माध्यम से है ना, काफ़ी लोग गलत तरीके से इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसकी वजह से मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके नहीं बता रहा हूँ, मतलब यही तरीका है दोस्तों स्टार्ट करने का। तो दोस्तों, अभी देखिए, अभी इसमें तीन वायर दिया गया है, इसमें जो प्लस वाला है जो स्टार्टर से होके आता है, और वो जो दूसरा वाला है वो है ना जो अपना मीटर बॉक्स में करंट लाता है, और ये जो वायर है ना वो नॉर्मल है। तो दोस्तों, अभी ये वायर है ना, इससे यहाँ पे लिंक कर दिया ना, इसको ये वायर को इसको ज्वाइन कर दिया ना, तो अपना मीटर बॉक्स में करंट आ जाता है, मतलब स्विच चालू हो जाता है। अगर हम इस वायर को इस वायर से जोड़ दिया ना, तो अपना जेसीबी स्टार्ट तो हो जाएगा। अगर इस वायर को नहीं जोड़ेगा ना, तो खाली ये दोनों वायर जोड़ दिया ना, तो भी जेसीबी स्टार्ट हो जाता है। अगर इसको जो छोड़ दिया ना, इसको भी जो इधर ज्वाइंट कर दिया ना, ये दोनों वायर को ज्वाइंट करके इससे मिला दिया ना, तो है ना आगे अपना स्विच में ना करंट आ जाएगा और मशीन आगे पीछे हो सकता है। अगर इसको छोड़ कर अभी ये दोनों स्टार्ट कर दिया ना, तो मशीन तो स्टार्ट हो जाएगा और इसमें मीटर बॉक्स में करंट नहीं आएगा, तो मशीन है ना आगे पीछे नहीं होएगा और उसका लाइटिंग वगैरह नहीं जलेगा। इसकी वजह से है ना, इस वायर को भी जोड़ना है, इसको भी ये दोनों वायर जोड़ के है ना, ये दोनों वायर को है ना इस वायर से जोड़ना है, ताकि है ना मशीन स्टार्ट हो जाता है। ये स्टार्टर से होके आता है, जो अपना प्लस वाला जो वायर है ना, वो वायर है ना डायरेक्ट स्टार्टर से होके इधर आता है। अब जब हम चाबी इस तरह से घुमाते हैं ना, इस साइड पर रहता है तो नॉर्मल रहता है, अगर इस साइड में घुमाते तो स्विच में करंट आ जाता है, और तीसरा में जब घुमाते हैं ना तो मशीन स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया ना। तो सो अगर समझ में नहीं आता ना, वीडियो को है ना रिटर्न देखिए दोस्तों, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाजू वाला घंटा है ना उसको ज़रूर दबाए, ताकि जो नए नए लेटेस्ट वीडियो आते रहेंगे ना, उसका नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।